बाजार हॉल में बैठी बैठी चाय पीते हुए अपने बड़े बेटे गोपाल से कहती है, अरे नालायक, कब जाएगा बाजार और कब आएगा राशन? सुबह से कितनी बार कह चुकी हूँ, लेकिन ये है, इसको तो इस कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना है। अरे माँ, छुट्टी के दिन भी आप मुझे चैन से नहीं बैठने देती हो। सप्ताह में 6 दिन ऑफिस में रहता हूँ और बाकी के 1 दिन छुट्टी मिलती भी है तो आप लोगों का नौकर बन के रह गया हूँ। मेरे तो इस घर में कुत्ते से भी बदतर इज्जत बनी हुई है। अरे चुप कर, कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगा? अपना काम करने में भी कुत्ते बिल्ली की याद आती है तुझे? माँ, आपने कभी पवन को कहा कि आज ये काम कर ले, चाहे अपने भाई के साथ यहाँ चला जा? नहीं, आपने तो उसे इतना सर पर चढ़ा लिया है कि बस वो खाना खाने के लिए ही घर पर आता है। अरे अभी उसकी उम्र है क्या ये सब करने की? शादी के बाद तो घर की जिम्मेदारी संभालनी है उसे, तो अभी जो कुछ महीने है उसे अपने दोस्तों के साथ जी लेने दे। वाह माँ वाह, इसे कहते हैं दो बेटों के बीच भेदभाव। गोपाल की कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारी थी। गोपाल कमा कर घर भी चला रहा था और घर का हर एक काम भी वही किया करता था। लता और अपने पति गोपाल की ये बातें गोपाल की पत्नी भी सुन रही थी। अरे आप हर वक्त देवर जी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अभी जब उनकी शादी होगी तब जाकर उन्हें भी आपकी तरह जिम्मेदारी समझ में आएगी। जैसे शादी के बाद तक तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एकदम सही कह रही है तू बहू, खुद तो शादी के बाद तक कुछ नहीं करता था, वो तो बहू थी जो तुझे झेल रही थी। हाँ हाँ, अब तो बहू भी सास के साथ जुगलबंदी कर रही है तो मेरी कहाँ चलने वाली है? क्या सही कहा ना मैंने माँ? लता, पूजा और गोपाल आपस में बात कर रहे थे तभी पवन आता है। माँ जल्दी से ठंडा पानी दे दो, बहुत तेज प्यास लगी है। भाभी पानी तो पिला दो। अरे भगवान, नवाबजादे को जरा पानी दो, चाय कॉफी बना दो। अब क्या हो गया, मेरे आते ही भैया को मैं इतना बुरा क्यों लगने लगता हूँ? अरे मेरा लाडला। बहू पानी ला दे मेरे लाडले के लिए। कहाँ था बेटा आज पूरे दिन, भूख नहीं लगती क्या तुझे? दोस्तों के साथ खा लिया था, वैसे खाने में क्या बनाया? तेरी फरमाइश का बन जाएगा, एक बार तू बोल तो सही कि ये बनाना है। कुछ भी बना दो माँ, अगर पनीर है तो वही बना लो। गोपाल को हमेशा ही अपनी माँ को जितना सुनाने को मिला करता था उतना ही पवन को अपनी माँ से प्यार मिलता, बावजूद इसके कि वो कोई भी काम धंधा नहीं करता था, जिसका गोपाल को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो अपने घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से समझता था। वहीं दूसरी तरफ गोपाल की पत्नी पूजा अपनी सास की जी हजूरी किया करती, जिससे लता भी खुश होकर अपनी बहू को कुछ न कुछ दे दिया करती। ऐसे ही समय बीत रहा था और लता भी अपने बेटे पवन के लिए लगातार लड़कियां देख रही थी। एक रोज लता को उसकी बड़ी बहन फोन करती है और पवन के लिए लड़की बताती है, कल ही पवन के लिए लड़की देखने जाएंगे, दीदी कह रही थी कि लड़की अच्छे घराने की है, लड़की का बाप मसालों का व्यापारी है। क्या बात है, फिर तो आपके लाडले को दहेज भी भर भर के मिलेगा। लेकिन अगर लड़की वालों ने पूछ लिया कि आपका नालायक कमाता क्या है तो आप क्या कहेंगे? पूरा दिन घूमता फिरता है और भूख लगने पर मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। अजय, आप बिना देवर जी के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते, क्यों आप इन्हें बिना बात सुनाते रहते? मां जी से इतनी गाली खाने के बाद भी आपको अकल नहीं आ रही है? अब अगले ही दिन पवन के साथ गोपाल, लता और पूजा सभी लड़की देखने जाते हैं। लड़की का घर इतना बड़ा था कि उसे देखकर लता की तो आंखों में चमक आ गई थी। पूजा अपनी सास से कहती है, माँ जी क्या घर है, इतनी बड़ी हवेली तो मैं पहली बार देख रही हूँ, नौकर चाकर, लेकिन ये क्या हमारा रिश्ता मानेंगे भी? अच्छा नहीं बोल सकती तो कुछ गलत भी तो मत बोल बड़ी बहू, कम से कम गवार वाली हरकतें मत करो आप दोनों। कुछ देर बाद लड़की को लाया जाता है। लड़की के घर के साथ लड़की की सुंदरता भी उस बड़े से घर को चार चांद लगा रही थी। लता और उसके परिवार को तो लड़की पसंद आ जाती है, लेकिन लता अपनी होने वाली बहू से कहती है, बेटी तुम्हें तो हम रानी बनाकर रखेंगे, जो इन्होंने इतने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया है तुम्हें। वैसे नाम क्या है बेटा? जी सिया नाम है मेरा, बड़ा ही प्यारा नाम है सचमुच। देवर जी की जोड़ी तो इनके साथ खूब जचने वाली है, क्यों देवर जी? अरे अरे देवर जी तो अभी से शर्मा रहे हैं। भाई साहब, मेरा लाडला बेटा पवन बड़ा ही भाग्यशाली है जो उसकी शादी आपकी बेटी से होने जा रही है। लता अपने बेटे का रिश्ता उस बड़े घराने में तो जैसे तैसे फिक्स कर लेती है और जल्दी पवन और सिया की शादी भी हो जाती है। अब सिया अपने अमीर घराने से विदा होकर ससुराल आती है। सिया के ससुराल में 2-3 दिन तो ठीक ठाक बीतते हैं, लेकिन उसके बाद सिया की सास लता के अपनी छोटी बहू के साथ तेवर ही बदल जाते हैं। बहू, तुझे आज इस घर में आए हुए 4 दिन हो चुके हैं और अब मैं चाहती हूँ कि तू भी बड़ी बहू की तरह घर के कामकाज में उसका हाथ बटाया करे। और एक बात, सुबह तुझे जल्दी उठना होगा। अगर तू सुबह मुझे जल्दी उठी हुई नहीं दिखी तो याद रखना, तेरी सास तेरी नींद खराब करने के लिए अभी जिंदा है, समझी? ये अचानक माँ जी को क्या हो गया? कल तो बिस्तर पर चाय पानी खाना आ रहा था, लगता है अब 2 ही दिन में पुरानी हो गई मैं। खैर, ये मेरे ससुराल वाले भी कौन सा और कितने दिन मुझे बैठा हुआ खाते देख लेती। अब क्या हुआ, माँ को अपने लाडले की पत्नी को इतना सुनाते हुए मैंने पहली बार देखा, क्यों सुना रही थी? न जाने बेचारा अब अपनी पत्नी का साथ देगा या माँ का। आपको बड़ा मजा आ रहा है ना, आप अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैंने उसके बारे में वही कहा जो उसके साथ होने वाला है। क्या पता माँ जिस तरह से सिया को बोल रही है तुम्हें भी बोल सकती है, लेकिन तुम तो माँ की चापलूस हो। खैर मुझे बहुत काम है, इस घर में कलेश तो अब शुरू होगा।
अब अगले ही दिन सुबह के 3 बजते ही लता अपनी छोटी बहू को उठाने आती है और सिया भी बिस्तर से उठकर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ लता अपनी बड़ी बहू पूजा को भी उठाती है, लेकिन पूजा तो उठकर किचन में काम करने लग जाती है, लेकिन सिया अपनी सास के कमरे से जाने के बाद ही दोबारा सो जाती है। अब जब पूजा अपनी सास को चाय देने उसके कमरे में पहुंचती है तो लता अपनी बड़ी बहू पूजा से पूछती है, कहाँ है सिया और क्या कर रही है? उसे जो काम ना आए वो तू ही उसे सिखाएगी, ये तेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? माँ जी, मैं उसे काम तब सिखाऊंगी ना जब वो काम करेगी। आपने उसे 3 बजे उठाया होगा, लेकिन आपके कमरे से निकलने के बाद ही वो महारानी तो कमरा बंद करके फिर से सो गई। क्या, ये तू क्या कह रही है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उसे खुद उठाया था। चल उसकी आज मैं अच्छे से खबर लेती हूँ, वो शायद भूल रही है कि वो अपने मायके में नहीं है। इतना कहने के बाद लता अपनी छोटी बहू के कमरे में पहुंचती है तो वो देखती है कि सुबह के 8 बजे तक सिया सो रही है। ये देखकर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपनी छोटी बहू पर चिल्लाते हुए कहती है, बहू उठती है या पानी डाल दूं तब उठेगी? उठ और जाकर किचन में काम कर, अमीर बाप की बेटी होगी अपने घर, यहाँ तुझे काम तो करना ही होगा जैसे पूजा करती है, वो भी तो 3 बजे से उठी हुई है, तो तू क्या स्पेशल है? माँ जी, इतनी सुबह मुझे उठने की आदत नहीं है, अगर मैं उस वक्त उठ भी जाती तो इसमें आपका ही नुकसान होता। मैं चाय बनाती तो उसमें नमक डाल देती, सब्जी में चीनी, इसलिए मैंने सोचा कि काम खराब करने से अच्छा है कि मैं सो जाती हूँ। अब आप ही बताइए दीदी, मैंने कुछ गलत किया क्या? अरे बहू, तू तो साक्षात भगवान है भगवान, तुझसे ना तो घर का काम होगा ना ही उठा जाएगा, घर में अब भगवान की नहीं तेरी पूजा की जाएगी, क्यों यही चाहती है ना तू? सुबह जल्दी ना उठने को लेकर घर में बहुत कलेशबाजी होती है। पास के सोफे पर बैठा गोपाल ये सब देख रहा था क्योंकि उसे पहली बार अच्छा लग रहा था कि उसके बाद उसकी माँ और किसी को तो सुना रही है, वरना गोपाल से ही लता के ताने गालियों की शुरुआत हुआ करती थी और वहीं पर खत्म होती थी। माँ क्यों बेचारी को सुना रही हो, अपने लाडले को सुनाओ ना। क्यों, उसे अभी नहीं सुनाओगी? तुझे काम पर नहीं जाना है क्या, यहाँ बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहेगा? गोपाल अपनी माँ लता की ये बात सुनकर वहां से चला जाता है, लेकिन सिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी सास के ये तेवर इतने क्यों बदल गए, वो भी शादी के चंद ही दिनों में, जिससे सिया थोड़ी परेशान हो जाती है। लता अपने बेटे गोपाल को तो हर बात पर ताना दिया करती थी, लेकिन अब लता अपनी छोटी बहू सिया को भी हर वक्त सुनाया करती। एक रोज गोपाल देर शाम ऑफिस से लेट आता है और वो अपनी माँ की दवाई लाना भूल जाता है। अरे गोपाल, कहाँ रह गया था तू, और इतना लेट क्यों हो गया तुझे आने में? माँ आप जानती है ना बाहर कितना ट्रैफिक होता है, बस उसी में फंस गया था, लेकिन आपको देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है, आपने मुझे कुछ लाने के लिए कहा था क्या? सत्यानाश हो तेरा, तुझे मैंने अपने सर दर्द की गोली लाने को कहा था ना, लेकिन तू भूल गया ना, एक नंबर का काम चोर नालायक है तू, किसी काम का नहीं। आपको भी ना एक छोटी सी चीज नहीं याद रहती, न जाने आगे आप क्या ही करेंगे। अरे इतनी बड़ी भी गलती नहीं हुई है, बस दवा लाना ही तो भूल गया हूँ, वो भी ट्रैफिक की वजह से। तेरे लिए होगी ये छोटी सी बात, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, काम चोर कहीं का। अब खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहा है, जाकर हाथ मुंह धो ले। ये सारी बात पास खड़ी सिया भी सुन रही थी और वो अपनी सास लता की बात सुनकर मन में खुद से कहती है, माँ जी कितनी कठोर है, जीर्जी अभी अभी ऑफिस से आ रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि वो ट्रैफिक में फंस गए थे, लेकिन माँ जी में तो थोड़ी भी इंसानियत नहीं है। अरे तू भी यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, जाकर किचन में काम कर, तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? नहीं माँ जी, मैं बस खाना बनाने ही जा रही थी, वो तो मैंने आपकी आवाज सुनी तो हॉल में चली आई। सिया किचन में काम कर रही थी और पूजा अपनी सास लता का पैर दबा रही थी, दोनों सास बहू हॉल में बैठे बात कर रहे थे और सिया किचन में काम कर रही थी। तभी वहाँ गोपाल का आना होता है और गोपाल जैसे ही खाना निकालने लगता है, सिया अपने जीजी से कहती है, जीजी लाइए मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूँ। अरे नहीं नहीं सिया, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद ही खाना निकाल कर खाने की आदत है, मुझे कोई खाना पीना नहीं देता। अरे कोई पूछता तक नहीं, तुम अभी नई नई हो ना, तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा कि घर में मेरी इज्जत कितनी है। भले इस घर में आपको कोई इज्जत ना देता हो, लेकिन आप मुझसे बड़े हैं और मैं आपको इज्जत दे रही हूँ, लाइए मैं खाना निकाल कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो ये लो प्लेट, और हाँ खाना थोड़ा ही निकालना, मन नहीं आज खाना खाने का, लेकिन खा लेता हूँ, खाना नहीं खाया तो भी गाली सुनूंगा। सिया अब गोपाल से प्लेट लेकर खाना निकालने लगती है। सिया अपने जेठ के लिए खाना निकालती हुई कहती है, जेठ जी बस मैं एक बात कहूँ, आप दिल के बहुत अच्छे हैं और इस घर को काफी अच्छे से संभाल कर भी रखा है, इतना कमाने और खर्चने के बाद भी इस घर में आपकी कोई इज्जत नहीं है। देखो सिया, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है कि मैं इस घर का खर्चा उठाता हूँ, जिम्मेदारियाँ संभालता हूँ, फिर भी मुझे गालियाँ सुनने को मिलती है, लेकिन वक्त आने तो सबका हिसाब होगा। मुझे तो नहीं लगता कि माँ जी कभी आपको समझ पाएंगी। मुझे लगा था कि तुम मुझे समझती हो, मैं तो इतना लाचार हूँ कि मेरी पत्नी भी मुझे नहीं समझती, वो भी हर वक्त अपनी सास की चापलूसी में लगी रहती है। गोपाल इतना कहकर सिया से खाने की प्लेट लेकर कमरे में चला जाता है। अब अगली सुबह जब लता को ये बात पता चलती है कि सिया ने गोपाल के कान भरे हैं, तो सुबह सुबह लता अपनी बहू से लड़ पड़ती है। अरे बहू, तेरा काम धंधे में तो हाथ चलते नहीं, लेकिन जुबान बहुत चल रही है आजकल, क्या बात है, अपने जेठ जी के भी कान भर दिए? नहीं तो माँ जी, मैंने तो बस उन्हें इतना कहा था कि आप इस घर के बड़े हैं, घर संभालते हैं, घर का खर्चा उठाते हैं, फिर भी आपको इतना कुछ सुनाया जाता है, आपको बुरा नहीं लगता? वो मेरा बेटा है और मैं उसकी माँ हूँ, मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूँगी, तू होती कौन है माँ बेटे के बीच में बोलने वाली? सुबह सुबह आपको अगर लड़ने का ही मन है तो पड़ोस वाली कमला आंटी से जाकर झगड़ लो,
आज ही उन्होंने नाली का कचरा निकाल कर बाहर कर दिया है। अरे उससे तो बाद में निपट लूंगी, पहले मैं अपने घर में पल रहे सपोलों से तो निपट लूं। देख बहू, इस घर को मैंने संभाल कर रखा है और मैंने ही इस घर को बनाया है। माँ मैं समझता हूँ कि आपने इस घर को बनाया है, लेकिन एक इंसान के घर बनाने से घर नहीं बनता, एक इंसान के घर चलाने से घर नहीं चलता। घर चलाने में हर उस इंसान का साथ होना चाहिए जो उस घर में मौजूद है। क्या बात है मेरा बेटा, इतनी लंबी लंबी हाँक रहा है, हैं? बहुत अच्छे, अपनी माँ से जुबान लड़ाते हुए शर्म नहीं आ रही। लता और गोपाल में बहस बढ़ती देख पूजा अपनी सास को सोफे पर बिठा देती है और अपने पति को कमरे में लेकर चली जाती है। थोड़ी देर तो माहौल शांत रहता है, लेकिन लता कहाँ चुप बैठने वाली थी, वो गोपाल को लगातार ताने दिए जा रही थी। गोपाल भी अपने कमरे में बैठा अपनी माँ की बात चुपचाप सुन रहा था। पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया और आज ये लोग मुझसे जुबान लड़ा रहे। अरे तेरी माँ हूँ मैं और तू मेरा बेटा, लेकिन तुम लोग तो मेरे ही माँ बाप बन गए। माँ जी जाने दीजिए, मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहूंगी, अभी आप चुप हो जाइए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये सब आग तेरी लगाई हुई है, तू ही है आग लगाने वाली घर में। बेशक तेरा घर अमीर है, लेकिन तेरे माँ बाप ने तुझे संस्कार रहन सहन कुछ नहीं सिखाया, गवार कहीं की। माँ जी चुप हो जाइए ना, कब से आप चिल्लाए जा रही है। और सिया तू जाकर किचन में काम कर, मैं अभी आती हूँ। और उस नालायक को कह दे काम पर जाए, छुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर उसने छुट्टी की तो घर में कलेश मचा दूंगी मैं। माँ जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बात को और मत बढ़ाइए, वो बहुत गुस्से में है, इतना गुस्सा मैंने उन्हें आज तक नहीं देखा। लता को पूजा मना रही थी कि तभी गोपाल फिर से अपने कमरे से बाहर आकर अपनी माँ को गुस्से में कहता है, आज तक मैं अपनी इज्जत के लिए चुप रहा और इस घर में मेरी इज्जत कभी हुई नहीं, मेरी बीवी इतना दहेज लेकर नहीं आई ना माँ, इसलिए हमेशा मैं अपने घर में चुप रहा। अरे तेरे ससुराल वालों की औकात भी क्या है दहेज देने की, वो तो पवन के ससुराल वालों ने दहेज दे दिया, वरना तेरे ससुराल वाले तो भिखारी है एक नंबर के। माँ जी मेरे घर वालों के बारे में आप कुछ भी नहीं कहेंगी, मैं कब से आपकी बातें सुनती जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगी। मैं हमेशा से चुप रहता आया हूँ ताकि घर में सुख शांति बनी रहे, लेकिन शायद आप ही घर में सुख शांति नहीं चाहती। लता और गोपाल में काफी देर से बहस चल रही थी, अब पवन भी अपनी माँ और भाई के बीच बहस को देखकर वहाँ आता है और उनसे झगड़े की वजह जानता है और सब कुछ जानने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ हम लोग हमेशा से एक साथ रहे और आपने मुझे बहुत प्यार किया है, भैया को मुझसे बहुत कम प्यार मिला तो उनका गुस्सा होना भी जायज है, और ये घर उनका ही बनाया हुआ है, उनके खून मेहनत पसीने की कमाई है ये घर, मैंने तो कभी नहीं कहा कि ये घर मैंने बनाया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ जी, ये घर जेठ जी का बनाया हुआ है, हम तो बस इस घर में रह रहे हैं, वो पूरा दिन मेहनत करते हैं और इस घर की हर जरूरत को पूरा करते हैं, फिर भी उन्हें ही सुनाया जाता है, बस इतनी सी बात है माँ जी, मैं उम्मीद करती हूँ आप जेठ जी को समझेंगी। मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है, माँ खुद ही समझदार है, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो शायद मुझे माँ के प्यार की जरूरत नहीं है, ऐसा माँ को लगता है। तूने ही मेरा मुंह खुलवाया था, तब से मैं चुप थी, तुझे कहती रही बेटा चुप हो जा चुप हो जा, लेकिन नहीं तू भी बोलता गया और मैं भी गुस्से में बोलती गई, अब आकर गले लग जा, मुझसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता तू जानता है ना। सिया की बात सही थी, घर चलाने वाले को जब इतना सुनने को मिल रहा था तो सिया सामने आकर गोपाल के समाधान का हल निकालती है, और उस दिन के बाद से लता अपने कमाऊ बेटे गोपाल को फिर ना तो कभी ताने देती है ना ही उसे बेइज्जत करती है, और सभी एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। मर्द कमाता है, घर की जरूरतें पूरी करता है और ताकतवर होता है। तो एक बार हमारी कहानी की हीरोइन शशि से मिलने। अरे बांधो इसको उस शराबी के गले और अपना पीछा छुड़ाओ। कैसी बात कर रही हो, मेरी एक ही तो बेटी है, नहीं नहीं मैं किसी पढ़े लिखे समझदार से ही इसकी शादी कराऊंगा। अच्छा तो पैसे कहाँ से आएंगे, अरे ये लोग एक पैसा नहीं मांग रहे, पैसे वाले लोग हैं, बस लड़के में एक ही कमी है कि वो कमाता नहीं है, बाकी सब ठीक है। पिता के ना चाहते हुए भी प्यारी सी शशि की शादी रमेश के साथ हो जाती है। शादी के बाद कैसी सी है, मुंह में दाने ऊपर से छोटी सी हाइट, हमारा भाई तो राजकुमार है। राजकुमार मेरी बेटी है शशि बहू, कोई इसे कुछ नहीं कहेगा, वैसे भी तेरे पास से ये बिन माँ की बेटी ने शादी कर ली यही बहुत है। बेटा शशि यह सब ऐसी ही है, तू ना बुरा मत मानना इन लोगों की बात का। शशि की सास भी बहुत अच्छी थी। शशि जा तो खाना बना ले, बाकी का ऊपर का सारा काम मैं कर दूंगी। शशि जिसने अपने मायके में सौतेली माँ के साथ रहकर सारा काम धाम करना सीखा, ससुराल में सिर्फ खाना बनाना है ये सुनकर राहत की सांस लेती है कि तभी, शशि तुम्हारे पिता ने मिलने के लिए बुलाया है, शाम को तैयार रहना। शशि खुश हो जाती है कि अब उसे प्यार करने वाले लोग हैं, पति मानता है, पिता जैसे ससुर जी हैं। वो शाम को तैयार हो जाती है, लेकिन फिर आधे रास्ते के बाद, अरे दो मिनट रुको मैं अभी आ रहा हूँ, तुम कहीं जाना मत, मैं बस यूं गया यूं आया। शशि जो कभी घर से बाहर अकेले नहीं निकलती थी, पति के विश्वास पर रास्ते में खड़ी हो जाती है, लेकिन काफी समय से पति वापस नहीं आता। शशि रोने लगती है, तभी सड़क पर खड़ी लड़की को रोता देख भीड़ लग जाती है। अरे क्या हो गया बहन, रो क्यों रही हो, सब ठीक है ना। लग रहा है कि रास्ता भूल गई है, कहाँ रहती हो, हम छोड़ आते हैं, कहाँ जाना है। शशि उस अनजान आदमी को देखकर डर जाती है और चुप हो जाती है कि उसे दूर से पति आता दिखता है जो शराब के नशे में धुत होता है। अरे
ये भीड़ यहाँ क्या कर रही है? हाँ? तुम्हारे आसपास ये भीड़ कैसे लग गई? तुम्हारी बीवी है ये तो पिया हुआ लग रहा है। अरे इतनी सीधी से बीवी को यूं रास्ते में छोड़कर दारू पीने चला गया था क्या? सभी पति को बुरा भला बोल रहे होते हैं कि अचानक शांत सी रहने वाली शशि दहाड़ने लगती है। पति है वो मेरे, कोई उन्हें कुछ नहीं बोलेगा। और हाँ, मैंने किसी से मदद नहीं मांगी थी, निकलो यहाँ से। पति देखता रह जाता है कि शांत सी रहने वाली शशि अचानक गरज रही है। सभी चले जाते हैं। अब मैं मायके नहीं जाऊंगी, आप घर चले। लेकिन शशि देखती है कि पति नशे में है, तो वो उससे कार की चाबी भी लेकर खुद कार चलाकर घर ले आती है। हाय रे, तेरी सौतेली माँ ने बड़ी जल्दी भगा दिया, खाना भी नहीं दिया क्या? और पहली बार गई थी खाली हाथ, बेटा एक डिब्बा मिठाई का ही दे देती। शशि सास को सारी बात बताती है। ये तो बहुत ही गलत किया बेटा तूने, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहली बार ससुराल जा रहा था, कम से कम दारू तो ना पीता। लेकिन बेटा कहाँ सुन रहा था, उसे ना तो दिन का होश था ना रात का। वो कमरे में जाकर सो जाता है। पति के इस हाल से शशि काफी परेशान रहती है। माना ससुर के पास काफी पैसा होता है, लेकिन पति की कमाई उसने देखी नहीं होती। फिर एक रोज सास जोर जोर से रो रही होती है। अरे सासू माँ, क्या हो गया, सब ठीक है ना? नहीं बेटा शशि, मैं क्या बोलूं, क्या हो गया मेरे साथ, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। शशि कुछ समझ पाती कि तभी वहां ससुर जी आ जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। जितने लोग हैं घर में सब आ जाओ, मैं सबसे बात करना चाहता हूँ, कहाँ हो सब? घर में ननदे और शशि का पति थे, वो आ जाते हैं। देखते हैं कि पास खड़ी उनकी माँ जोर जोर से रो रही थी। क्या हुआ पापा, कुछ तो बता दे। देखो मैं तुम लोगों के लिए नई सास लेकर आ रहा हूँ। कैसी बात कर रहे हो पापा, माँ कहाँ जाएंगी? और मैं नहीं जानता कहाँ जाएंगी, मैं अभी इसे तलाक दे रहा हूँ। और हाँ, तुम लोग मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन ये औरत नहीं। अब इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई मायका भी नहीं है। जहाँ जाना है जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बता रहा हूँ। और हाँ, जिसे मेरे साथ नहीं रहना वो माँ के साथ घर के बाहर निकल जाए। नाना पापा, मैं कहाँ इनके साथ रास्तों की ठोकरें खाऊंगी, वैसे भी गरीब की तो शादी भी नहीं हो पाती, मैं आप ही के साथ रहूंगी। मैं भले शराबी हूँ, लेकिन मैं माँ के साथ रहूंगा। कैसी बात कर रहा है, तेरे तो बस की खुद को संभालना नहीं है, तू कैसे माँ को संभालेगा? वैसे भी शशि की जिम्मेदारी है तेरे ऊपर। पिताजी, इस उम्र में माँ को छोड़कर आप ठीक नहीं कर रहे हैं, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं हूँ। पिताजी, मैं भी इनके फैसले में इनके साथ हूँ, हम आपके और नई सास के साथ नहीं रहेंगे। शशि सास को लेकर पति के साथ रास्ते पर आ जाती है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, ऐसा करते हैं हम एक घर ले लेते हैं। हाँ, मेरे दोस्त का घर है, वो किराए पर चढ़ाना चाहता है, ठीक है हम वही घर ले लेते हैं। सभी एक घर किराए पर लेकर घर में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन दो दिन बाद लग रहा है मुझे चक्कर आ रहे हैं, सब काला काला दिख रहा है। मेरे पास तो माजी को डॉक्टर के पास ले जाने के भी पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, पिताजी से मांग कर लाती हूँ। शशि पैसे लेने के लिए ससुर के पास जाती है, जहां उसे मिल जाती है नई सास। अच्छा, तो ये शशि है, बड़ी पागल निकली तुम, ससुर तुम्हारे बोल रहे थे। अरे यहाँ ऐशो आराम से रहती, उसके बजाय सास का साथ दिया। अरे पागल सास का कौन साथ देता है, यहाँ रहती तो ऐश करती ऐश। ना मैं आपसे मिलने आई हूँ और ना ही आपसे बात करने, मैं आपके किसी सवाल का जवाब देना भी सही नहीं समझती हूँ, मुझे ससुर जी से मिलना है बस। हाँ शशि बेटा, क्या हो गया, तुम कैसा आई, फैसला बदल लिया क्या? पिताजी, माजी की तबीयत ठीक नहीं है, हम लोगों के पास पैसे नहीं है कि हम उनका इलाज करा सके। और आप ये मत भूलिए कि वो आपकी बीवी है। हाय हाय, वो बीवी है तो मैं कौन हूँ, मैं क्या काम वाली हूँ? और हाँ, भिखारी की तरह पैसे मांगने आ जाती हूँ, निकलो यहाँ से। नई सास शशि को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। शशि रास्ते में खड़ी सोचती है कि वो क्या करे, कहाँ से पैसे लाए। तभी एक बच्चा आकर शशि के गले लग जाता है। अरे ये तो आपके ऐसे गले लग रहा है जैसे कि आपको जानता है। पता नहीं मेरे साथ ये क्या है, हर बच्चा खींचा आता है, वो क्या है ना, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, मैं हर बच्चे को अपना बच्चा समझने लगती हूँ, शायद माँ का प्यार जो मुझे नहीं मिला मैं सबको देना चाहती हूँ। शशि की बात सुनकर औरत का मुंह खिल जाता है। क्या करती हो? जी कुछ नहीं, लेकिन काम की तलाश है। ये बोलकर शशि उस औरत को अपनी सारी कहानी बताती है। लो तुम्हारी परेशानी का हल भी मिल गया, मेरे दो बच्चे हैं उनके लिए मैं कोई डे केयर देख रही हूँ, अब तो तुम ही इन दोनों को संभालो, मैं तो नौकरी करती हूँ। बस अब क्या था, दो से चार और फिर खूब सारे बच्चे शशि के घर में आने लगे थे। अब तो शशि के घर खूब रौनक लगी रहती, सास और पति के साथ वो घर चला रही थी कि एक दिन, शशि कितना काम करती है, थोड़ा आराम भी कर ले। शशि पैसे देना, दारू के लिए पैसे नहीं है। नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, और दारू के लिए क्या, घर पर राशन के लिए भी पैसे नहीं है। अरे तू भी कोई काम क्यों नहीं कर लेता, बेचारी अकेले घर चला रही है।
शशि तू मेरे लिए क्यों इतनी तकलीफें झेलती है? ये काम तो मेरे बेटे का है। बेटी का भी तो होता है माँ जी, आपने हमेशा मुझे बेटी की तरह रखा है, तो आज क्यों? तुम दोनों का ड्रामा हो गया है तो पैसे दे दो मुझे। बोला ना नहीं है पैसे, कुछ नहीं है मेरे पास। तभी एक औरत आती है। शशि, ओ शशि, ये ले पैसे महीने के, मेरे बच्चे पर न जाने तूने क्या जादू डाला है, कहता है शशि मैम के पास ही रहना है। बच्चा आपका है ही इतना प्यारा। अभी दोनों बात कर रहे होते हैं कि पति औरत के हाथ से पैसे ले लेता है। ये क्या कर रहे हैं? मुझे पैसे चाहिए दारू के लिए, समझे? कैसे पति हो, बीवी की मेहनत के पैसे दारू में खर्च कर रहे हो? अरे इतना अच्छा परिवार है, अरे मेहनत करके सब ठीक क्यों नहीं करते? मेरे पति तो मुझे कोई काम करने नहीं देते, कहते हैं तुम मेरी बीवी हो, मेरे पैसे भी नहीं लेते। लानत है शशि तेरे पति पर। ये बोलकर वो औरत चली जाती है और शशि रोने लगती है। पति को गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो शशि, मेरे लिए तुमने इतने दुख झेले, अब और नहीं, ये लो पैसे, अब मैं भी कमाऊंगा और तुम्हें और माँ को एक अच्छी जिंदगी दूंगा।